नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अ वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे। तो इसी के साथ आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। देखिए, ज़्यादा समय अपने पास है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रिविजन स्टार्ट कर दिए। अगर आप चाहते हैं कि लिंगर ऑन करते रहें, भैया जियोग्राफी ही हम आराम से कवर करें सारा, अब जैसा होगा वैसा होगा। हमने तो अपना स्केड्यूल चेक कर दिया था। हमारी परफॉर्मेंस हमारी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं। अब चलिए जी, फटाफट से बात कर लेते हैं अनअकैडमी के। दोस्तों, क्या है कि आपने अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, सभी सब्जेक्ट को कवर करना है, चाहे फिर वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स हो, ज्योग्राफी हो, या और इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस जो टॉपिक्स चलते हैं वो सभी। दोस्तों, आपने ये सभी चीज़ें कवर अप करनी है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जो कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही कर पाएंगे। आपने अनअकैडमी यहाँ से चूज़ करना है, डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस से सब कैटेगरी आपने एनडीए चूज़ करनी है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। प्राइजिंग पेज दिखेगा, उसमें से 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स जैसे भी आपकी जो भी आपके गोल है इस साल के हैं, जो कमिंग ईयर है उसके हैं, अकॉर्डिंगली आपने चूज़ कर लेना है, राइट। तो फॉर एग्जांपल आप 3 मंथ्स का लेते हैं तो 4,400 रुपीज़ इज़ दी प्राइजिंग, एंड उसमें 10% के डिस्काउंट के लिए आपको इस बॉक्स के अंदर एंटर करना है टीम अर्पित, जो कि एक रेफरल कोड है, कैपिटल लेटर्स विदाउट स्पेस, आपने उसको एंटर करना है। अप्लाई करते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 4,400 की जगह आप पे कर पाएंगे 3,960। वो 3 महीने तक वैलिड रहेगा। लाइव क्लासेज अटेंड कीजिए, ढेर सारा मटेरियल लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए और अपने आप को मजबूत कर लीजिए, ठीक है। ऑलराइट, तो एग्ज़ाम देने आप जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैं अब जा रहा हूँ तो फोड़ के ही आऊँगा। वो फोड़ के आने का मतलब है कि क्रैक करके आऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है अभी ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करके। चले दोस्तों, आज की रिविजन पर आते हैं। एज यू नो कि हमने स्टार्ट किया है क्या, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दोबारा से हमने रिविजन उसकी स्टार्ट किया, फास्ट रन में चलेंगे। जिन बच्चों को डाउट है, जिन चीज़ों को, अच्छा ये बुक आप सभी के पास है, दिस इज द कम्प्लीट बुक। एज यू कैन सी इट कंसिस्ट ऑफ 222 पेजेस, राइट। ये आप सभी के पास है, अगर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल टीम अर्पित के ऊपर ये मैंने पोस्ट करता रहता हूं मैं, आप सभी के पास ये पहुंच जानी चाहिए। अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया तो दोस्तों कर लीजिए, ठीक है। इसमें बहुत ही ज्यादा देख रहे हैं आप, बुलेटिन वाइज दिया हुआ है, इट मींस वन लाइनर्स मैंने बनाए हुए हैं, और क्या चाहिए यार, ठीक है। आप लोगों के मैंने नोट्स, आप लोगों के लिए मैंने नोट्स खुद तैयार किया, थर दो जी पहचान लिया मैंने आपको, नोट्स मैंने खुद तैयार कर लिए आप लोगों के लिए, राइट। चलिए, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। जय माता दी, लेट्स रॉक। चलिए जी, ज्योग्राफी माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट कर रहे हैं हम यूनिवर्स से। यूनिवर्स इज नॉट इन्फाइनेटली ओल्ड, और कहीं पर आप देखेंगे ना, कहीं कहीं जगह पर किसकी जी जो एज लिखी हुई है 15 मिलियन ईयर्स लिखी है, मैंने आप एकदम प्रिसाइजली लिखा हुआ है 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। ये है आपकी यूनिवर्स की एज, और ये जो यूनिवर्स जो है कंसिस्ट ऑफ गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, नेबुला, स्टार्स एंड अदर यू नो मैटर्स विच इज अवेलेबल इन द यूनिवर्स। और यहाँ पर ये जो यूनिवर्स है इसकी पर्टिकुलर एज अगर 13.7 बिलियन ईयर्स एगो है, तो इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले हुआ था बिग बैंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने मार्क करता रहूँगा, आपने वही चीज़ें पढ़नी है, बेसिक फैक्ट अबाउट यूनिवर्स। यूनिवर्स इज नॉट इन्फिनेटली ओल्ड बट इट एग्जिस्ट अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, राइट। एंड द फार्थेस्ट लिमिट टू आर व्यूइंग इज कॉल्ड द कॉस्मिक होरिजन, जहां तक आपकी नजर जा रही है उसको कॉस्मिक होरिजन कहते हैं, ठीक है, विच इज अबाउट 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स अवे इन एवरी डायरेक्शन। कितना, 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स, 13.7 फेवरेट एक यूनिट है आपके यूनिवर्स की, राइट। कुछ नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं भाई साहब, देखिए सिंपल सी बात है, कितना समय आपके पास, समय है, एक साल का वक्त है आपके पास, तो भैया नोट्स बनाते रहिए, कोई मुझे दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आपने यही इसी साल आपने एनडीए देना है, एनडीए 2,
और नेक्स्ट ईयर एनडीए भी आपने जो बच्चे 22 वाले हैं तो नोट्स ना बनाएं आप लोग, इसको भाई साहब डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये आपके पास होनी चाहिए थी पहले ये बुक, या फिर मैं आपको एनोटेशंस के साथ जितना आज कवर करेंगे वो एनोटेशंस के साथ मैं दे दूंगा, मार्किंग के साथ दे दूंगा। आप वही टीम अर्पित से ले लेना और उसको फिर आप पढ़ने लग जाना, ठीक है जी। उसके अलावा कोई दूसरी लाइन मत पढ़ लेना, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा, राइट। 13.7 ईयर्स एगो यही यूनिवर्स बना है, और जहाँ तक आपकी नज़र जाती है 13.7 बिलियन लाइट ईयर। दो चीज़ें हैं हम, एक तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपने सुना है ना, एक आपने लाइट ईयर सुना है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स, कहीं पर 149 पॉइंट समथिंग भी लिखा हुआ है, 149.6, कहीं पर 150, आप उसको प्रिसाइसली याद कर सकते हैं, 150 आपके लिए ठीक रहेगा। रोहित जी आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ, रोहित राज छपरा ऑनलाइन, सुबह शाम बात होती है और फिर आप यहाँ पर कर रहे हैं स्पैम, आपको लग रहा है कि मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ, ठीक है। बंदे से एक बार बात कर ली फिर मैं उसको सालों सालों तक पहचान के रखता हूँ, इस बात को ध्यान रखें आप। अरे ज़बरदस्त जी, आइए जी। लाइट ईयर क्या है माई डियर फ्रेंड, जो लाइट आपका वैक्यूम में जिस स्पीड के साथ चलती है और कवर करती है तो वो है 9.46 × 10^12 किलोमीटर्स, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ, राइट, सन एंड अर्थ, मैं सन एंड सन ही लिख रहा था। चले हाँ ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं, राइट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ही अर्थ की फॉर्मेशन हुई है, नॉट अर्थ, अर्थ 4 बिलियन ईयर्स पहले हुई है। 13.7 बिलियन ईयर्स एक ब्लास्ट हुआ था जिसको फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या है, एक ब्लास्ट है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड अ पॉइंट ऑफ प्लेस, वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ जहाँ से चीज़ें जो थी दूर दूर तक जाकर गिरी, जिसको आप बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। और ये बिग बैंग थ्योरी जो है 1929 में एडविन हबल ने जो है वो सजेस्ट करी थी, एंड यही सबसे कॉन्क्रीट एक थ्योरी मानी जाती है कि हाँ इसको काफ़ी लोगों ने जो है एक्सेप्ट किया है कि बिग बैंग थ्योरी से ही आपके यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई थी, राइट। इससे पहले कुछ एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने भी कुछ थ्योरी दी थी। बिग बैंग थ्योरी डेवलप्ड एज इंडिपेंडेंट वर्क ऑन आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और सिटर की 1917 अलोंग विद, मतलब कि एक तो सबसे पहले 1929 में एडविन हबल ने थ्योरी दी कि ब्लास्ट हुआ है और चीज़ें दूर दूर जा रही है। अब चीज़ें दूर दूर जा रही है तो आप एक पॉइंट से देखेंगे तो आपको कुछ और दिखेगा, दूसरे पॉइंट से देखेंगे कोई और इंसान उसी चीज़ को दूसरे पॉइंट से देख रहा है उसको कुछ और, उसको शेप में भी दिखेगी और उसका एंगल भी डिफरेंट होगा। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इसके साथ ज्वाइन करते हैं तो हाँ ये चीज़ें ठीक हो जाती है कि जो है वो एवर एक्सपेंडिंग है, और लाइट और साउंड ये इन सब चीज़ों के साथ आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इट्स स्टिल एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग, राइट। सो इससे पहले जिन एस्ट्रोनॉमर्स ने थ्योरी दी थी वो थे सिटर, फ्रीडमैन इन 1922, लेमाट्रे इन 1927, राइट, एंड जो फिर इन सभी की थ्योरीज को एक कंक्लूजन के अंदर उतारा 1929 में एडविन हबल ने, राइट। एंड इन्होंने बोला कि यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग, जिसको आप ये कह सकते हैं गैलेक्सीज आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, एक दूसरे से दूर जा रही है, राइट। आइए जी आइए, रहमान मलिक जी पहले आप गाना सुनाए, पहले आप गाना सुनाएंगे, अरमान मलिक के भाई है ना आप, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। चलिए तो टीम अर्पित टेलीग्राम चैनल है माई डियर फ्रेंड्स एक, और इस टीम अर्पित टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ ये मैं एनोटेशंस के साथ दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा था कि हम फटाफट से बोलेंगे, मतलब मैं चीज़ों को बोलता रहूंगा आप लोग समझते रहेंगे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों, टाइम लगने वाला है, ठीक है। मुझे जो ड्यूरेशन है एमसीक्यू उसकी कम करनी पड़ेगी, एमसीक्यू उसकी ड्यूरेशन कम करनी पड़ेगी,
एमसीक्यूज पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पर मैराथन मुझे ज़्यादा लेनी पड़ेगी। चलिए जो भी है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए ओके ऑलराइट। चलिए गैलेक्सीज के ऊपर आ जाते हैं। यूनिवर्स डिवाइडेड इनटू गैलेक्सीज, ठीक है। गैलेक्सीज के अंदर ही आपका सोलर सिस्टम है, इसलिए हम सीधा यूनिवर्स के बारे में इतनी चीज़ें जान करके आ गए हैं गैलेक्सी के ऊपर, राइट। गैलेक्सी जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ यस, ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट से भी पता लगता है कि गैलेक्सी जो है वो एक्सपेंड कर रही है, जो कि आपका किसने दिया था थ्योरी, अरे मैं भूल गया, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट किसने कहा था, आप बताइए यार जरा, मैं एकदम से निकल जाता है मेरे माइंड से सब कुछ, भी चेक करना पड़ता, मुझे अपने आप को भी चेक करवाना पड़ेगा। चलिए नाउ गैलेक्सीज को पढ़ना इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। इंडिया के कुछ साइंटिस्ट जो कि एरिस से बिलोंग करते हैं, जो कि आपका एरिस की फुल फॉर्म है आपका आपका आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस जिसको एरिस कहते हैं, 2021 में इंडिया एंड अलोंग विद अदर कंट्रीज दे हैव डिस्कवर्ड अ न्यू डॉपलर इफेक्ट। यस ऑफ कोर्स, तो एरिस ने डिफरेंट दूसरी कंट्रीज के एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट के साथ मिल करके एक गामा एमिटिंग गैलेक्सी को जो है डिस्कवर किया है, और उसका नाम है सेफर्ट, ठीक है। सेफर्ट है फर्ट, ठीक है। हाँ कहीं कुछ और सुन ले, कुछ और सुनते हैं ना आप, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। से एस ई वाई, अरे अरे, सेफर्ट वन, ये गामा एमिटिंग गैलेक्सी है एरिस, जो कि आपके नैनीताल में है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वो आता है। फुल फॉर्म इज आर्यभट्टा रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस इज द फुल फॉर्म एरिस की, एंड सेफर्ट इज द नेम ऑफ द गैलेक्सी, एंड द पर्सन जिस जो कि इंडियन है वो है आपके एक मिनट लगेगा रुके, शुभेंदु रक्षित, ठीक है जी। ये 4.7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, 4.7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर इंडिया ने डिस्कवर की है, ठीक है। चलिए सेफर्ट, इसलिए गैलेक्सीज को पढ़ना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और नासा ने भी अभी कल परसों एक गैलेक्सी को डिस्कवर किया है, तो वो तो थोड़ा पास ही है उससे, ये सेफर्ट काफ़ी दूर है ना, कितनी दूर है। चलिए गैलेक्सीज की बात करें तो गैलेक्सीज के अंदर आपको स्टार्स भी मिलेंगे, प्लैनेट्स भी मिलेंगे, एंड नेबुला भी मिलेंगे, राइट। सो नेबुला क्या है, बल्कि एक क्लाउड है डस्ट एंड गैस का, तो हम उसको नेबुला कह देते हैं। गैलेक्सी इज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर डेट फॉर्म्स अ कोहेसिव ग्रेविटेशनल यूनिट इन द यूनिवर्स। एक दूसरे के साथ वो पकड़ के बंधे हुए हैं, और एक दूसरे के साथ एक सेंट्रल जो उसका पॉइंट है उसके आसपास वो रेवोल्यूशन के अंदर रहते हैं, जैसे कि सन खुद आपके जो आपका मिल्की वे का सेंटर है उसके आसपास रोटेशन करता है, और अर्थ जो है वो सन के आसपास रोटेशन करती है, क्योंकि एक दूसरे से ग्रेविटेशनली जुड़े हुए हैं ये लोग, ये सभी के सभी, ठीक है। इन अ वे गैलेक्सीज आर टू द यूनिवर्स जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, वैसे ही गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स के लिए, उसके अंदर जैसे सेल के अंदर हम आगे जाएंगे तो गोल्जी अपरेटस, यू नो आपका न्यूक्लियस हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैसे ही अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स के लिए सेल है गैलेक्सी, और उसके अंदर फिर फर्दर स्टार्स, ड्वार्फ स्टार्स, प्लैनेट, ये सभी चीज़ें, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। हाँ या ना हमें बता दीजिए एक बार,
एक बार बता दीजिए, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ ना? चले, तो टाइप ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी जो है वो मेनली थ्री टाइप्स की है, एलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इररेगुलर। स्पाइरल के अंदर ये मान सकते हैं कि बार्ड स्पाइरल भी एक जो है ऑप्शन है। सो गैलेक्सीज आर ऑफ वेरियस काइंड, डेट इज एलिप्टिकल, नॉर्मल स्पाइरल, बार्ड स्पाइरल एंड इररेगुलर। आप तीन चीजें याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। एलिप्टिकल, ठीक है, एक आपका स्पाइरल गोल, और एक आपका इररेगुलर शेप की, जैसे अमीबा होता है ना वैसे उसी शेप का कोई, ठीक है। चलिए, चले जी, चले, शाबाश। ऑल राइट, चलिए साइज ऑफ द गैलेक्सी की बात करते हैं। द गैलेक्सी रेंज ग्रेटली इन साइज, कुछ कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं कि उसके अंदर मिलियंस स्टार्स होंगे, और कुछ गैलेक्सी ऐसी है कि 400 बिलियंस तक स्टार्स हो सकते हैं। आपकी मिल्की वे के अंदर 100 टू 400 बिलियन स्टार्स हैं, ठीक है। तो गैलेक्सीज रेंज ग्रेटली इन साइज एंड मास ऑफ कोर्स, एंड ये लाइट ईयर्स तक फैली हुई है। कितने लाइट ईयर्स? 1 लाख लाइट ईयर्स तक ये फैली होती है। जैसे कि हम अपनी मिल्की वे की बात करते हैं तो 25,000 लाइट ईयर्स, ये आपका सन जो है 2400 और 1000, लाइट ईयर्स जो है वो सन मिल्की वे के सेंटर से दूर है, ठीक है। और पूरा का पूरा जो डिस्क है, जो पूरा का पूरा डिस्क है मिल्की वे का, वो 1 लाख लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, राइट। और लाइट ईयर क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 9.46×10^12 किलोमीटर्स, राइट। तो आप उस यूनिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने किलोमीटर्स आपका मिल्की वे का सेंटर, जो कि एक ब्लैक होल है, और सन के बीच का डिस्टेंस है, और पूरा का पूरा जो डिस्क है मिल्की वे का, वो 1 लाख लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, राइट, क्लियर। और चंद्रशेखर लिमिट, जो कि एस चंद्रशेखर जी ने जो है डिस्कवर, ये सजेस्ट की थी, इसके पीछे उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1984। हु वाज द नेफ्यू ऑफ आपके सी वी रमन, हु गॉट द नोबेल प्राइज इन 1930। तो और उन्होंने बोला था कि एक स्टार के अंदर ना पर्टिकुलर मास होता है, उस मास तक ही वो लाइट एमिट कर सकता है, उसके बाद वो फेड हो जाएगा, ठीक है। उसको हम चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं। तो जितने भी स्टार्स हैं उनकी जो लाइट है वो क्या शो करती है, वो टेम्परेचर शो करती है, और टेम्परेचर ज़्यादा कैसे होगा, जब फ्यूजन होगा हाइड्रोजन एंड हीलियम के बीच में, समझ रहे हैं। तो इसी बेसिस पर अगर वो ज़्यादा लाइट एमिट करेगा तो हम उसको जाइंट बुलाएंगे, अगर वो फेड होगा तो हम उसको ड्वार्फ बुलाएंगे। आई होप एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, ओके। सो द ड्वार्फ गैलेक्सीज हैव द लीस्ट मास एंड फ्यूएस्ट स्टार। और गैलेक्सी है क्या, वो तो कुछ स्टार से ज़्यादा स्टार्स तक से मिलकर बनी एक चीज़ है ना, उसका कॉम्पोजिशन जो है वो स्टार्स, डस्ट, ये सभी चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ड्वार्फ गैलेक्सीज क्या है, जिसके अंदर मास कम है, हाइड्रोजन हीलियम कम है वहाँ पर, ठीक है। लार्ज मैगेलनिक क्लाउड, अ गैलेक्सी डेट ऑर्बिट्स द मिल्की वे इज कंसिडर्ड अ लार्ज ड्वार्फ गैलेक्सी, इट कंटेन्स एट मोस्ट 1 बिलियन स्टार्स। एक गैलेक्सी के आसपास एक दूसरी गैलेक्सी भी चक्कर लगाती है, जिसको हम लार्ज मैगेलनिक क्लाउड कहते हैं, उसके अंदर भी 1 बिलियन तक के स्टार्स हैं, ठीक है। और ये एक ड्वार्फ गैलेक्सी है, ठीक है, एक ड्वार्फ गैलेक्सी है वो, उसका खुद का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कम है, इसलिए वो इसके साथ जुड़ी हुई है। यस, जब स्टार ज़्यादा शाइन करता है, ठीक है, तो अभी वो जाइंट पे है, जाइंट के बाद वो येलो ड्वार्फ बनेगा, येलो ड्वार्फ के बाद वो नोवा, सुपरनोवा, पल्सेटिंग स्टार, न्यूट्रॉन स्टार एंड देन फाइनली ब्लैक होल, राइट। चलिए, उसके ऊपर हम आ रहे हैं।
ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। दोस्तों ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में वैसे तो सोच रहा था कि आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है, जैसे मैंने अभी सेफर्ट का नाम लिया है तो आपको एटलीस्ट अपने मिल्की वे के आसपास की गैलेक्सीज तो मालूम होनी चाहिए कौन कौन सी है, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड अ क्लस्टर, ठीक है, अ क्लस्टर। आइए एक बार देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज कंटेन टू और मोर गैलेक्सीज ऑफ बिगर साइज एंड डजन और मोर स्मॉलर गैलेक्सीज, छोटे मोटे गैलेक्सीज और दो तीन बड़ी गैलेक्सी आसपास जो एक दूसरे के आसपास ही हैं, उस ग्रुप को ग्रुप ऑफ गैलेक्सी कहते हैं। मिल्की वे के पास एंड्रोमीडा है और ये दोनों लोकल ग्रुप की दो बड़ी गैलेक्सी है। इसके साथ साथ इनके पास और गैलेक्सी है, जैसे कि एक तीसरी है जिसका नाम है ट्राइंगुलम, मैं लिख देता हूँ सो डेट आपको जो है एनोटेशंस के साथ दूं तो कुछ आपको लिखना ना पड़े और आपको याद रहे, ठीक है। ग्रुप ऑफ गैलेक्सी जो कि है, इट कंटेन्स टू और मोर गैलेक्सीज ऑफ बिगर साइज एंड डजन और मोर स्मॉलर साइज, ठीक है जी। एंड मिल्की वे एंड्रोमेडा गैलेक्सीज आर टू लार्ज गैलेक्सी इन द लोकल ग्रुप। इसी के साथ साथ एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है ट्राइंगुलम गैलेक्सी, राइट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट भी कर देता हूँ। चलिए जी, देर आर फ्यू डजन स्मॉलर गैलेक्सीज जिसके अंदर मैगेलनिक क्लाउड है, ड्वार्फ एलिप्टिकल मिसियर 32, स्मॉलर स्पाइरल गैलेक्सीज मिसियर 33 और दूसरी गैलेक्सीज, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। सुपर क्लस्टर क्या है? सुपर क्लस्टर, अब ये तो हुई एक आसपास की गैलेक्सी की बात, कुछ गैलेक्सीज मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं, उनको भी अगर हम कंसीडर करते हैं कि वहाँ पर भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है लाइफ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो गैलेक्सीज जो है आपकी गैलेक्सी को साथ सब्स्यूम कर रही है, वो अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाती है, वो सभी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाती है। हाँ जी, स्टार ही होता है ब्लैक होल पहले, ठीक है। मैं आप लोगों के कमेंट नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज फिर मैं यहीं रुका रह जाऊंगा गैलेक्सी के आसपास। सुपर क्लस्टर आर दी लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मैसिव स्ट्रक्चर्स। इसको मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, मिल्की वे जो है वो एक जो सुपर क्लस्टर है, बड़ी बड़ी दूसरी गैलेक्सी जो कि मिलियंस लाइट ईयर्स दूर है, उसको भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो उस बड़े ग्रुप को हम बुलाते हैं सुपर क्लस्टर। जो दो तीन गैलेक्सी मिल्की वे के आसपास है उनको हम बुलाते हैं लोकल ग्रुप, ठीक है। सुपर क्लस्टर जो है वो वर्गो सुपर क्लस्टर है, जिसके अंदर जो मिल्की वे है वो उसके आउटस्कर्ट्स में, मतलब बाहरली साइड पे, मान के चलिए कि अभी कुछ 100 गैलेक्सीज हैं छोटी बड़ी मिला करके, तो मिल्की वे उसके आउटस्कर्ट्स में है, जिसको उस बड़े से ग्रुप को हम बुलाते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर, ठीक है। वर्गो सुपर क्लस्टर ये क्या है? ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी अक्रॉस योर यूनिवर्स, ठीक है। मैं हूं अनहोनी, ठीक चलिए जी। और लोकल ग्रुप क्या है? लोकल ग्रुप तो आप समझ गए, आसपास की जो है दो तीन गैलेक्सीज है, चलिए। मिल्की वे के ऊपर आ जाते हैं, मैं एक से एक घुट पानी पी लूं। अनकन, आप तो बहुत पहले आते थे, एटलीस्ट आप बीच में कहाँ गायब हो गए थे, 3-4 महीनों से देखा नहीं आपको, अभी आए हैं आप, 3-4 महीनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है अनकन। चलिए, मिल्की वे वो गैलेक्सी जिसके अंदर हम रहते हैं, 100 to 500 billion अदर स्टार्स इसके अंदर हो सकते हैं, हैं, और ये एक बार्ट स्पाइरल है। आओ जी आओ, मिल्की वे इज द गैलेक्सी वी लिव इन, 100 to 500 billion अदर स्टार्स इसके अंदर है, ये एक बार्ट स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है। ये वर्गो सुपर क्लस्टर के आउटस्कर्ट में जो है आपका लोकेटेड है। बेसिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो अर्थ ऑर्बिट द सन विच इज सिचुएटेड इन द ओरियन आर्म। ओरियन आर्म क्या है? जैसे कि ये गैलेक्सी है, ये आपका मिल्की वे है, उसके ना कुछ आर्म्स निकले हुए ऐसे, ठीक है जी,
आर्म्स निकले हुए हैं। ये एक आर्म का नाम मान लीजिए ओरियन है, और इस ओरियन के अंदर ही आपका सोलर सिस्टम है, ठीक है जी। इसको आपने पढ़ना बहुत जरूरी है। चल चले जी, ठीक है। तो अर्थ ऑर्बिट द सन विच इज सिचुएटेड इन द ओरियन आर्म, वन ऑफ द मिल्की वे स्पाइरल आर्म, वन ऑफ द स्पाइरल आर्म, यहां पे मैं लिख चुका हूं सब चीजें, ठीक है। एंड अर्थ एंड द सन आर अबाउट 25,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर। अर्थ और सन 25,000 लाइट ईयर्स दूर है गैलेक्टिक सेंटर के, जो कि मिल्की वे का सेंटर है, जो कि एक ब्लैक होल है। उससे सन जो है 25,000 लाइट ईयर्स दूर है, इस बात को बिल्कुल आपने रखना है, ठीक है। एंड द स्टेप, अब जो आपका मिल्की वे है उसके अंदर दो चीज़ें, एक है स्फेरिकल बॉल या बॉल आप कह सकते हैं, एंड अनदर थिंग योर डिस्क। जो डिस्क है वो है लाइक दिस ओनली, ये आपकी मिल्की वे, ये तो आपकी डिस्क हो गई, और सेंटर में एक ऐसे बॉल है, ठीक है, ये स्फेयर, ठीक है। यहां से यहां तक ये 1 लाख लाइट ईयर्स, 1 लाख लाइट ईयर्स फैली हुई है ये चीज, ठीक है। इसको हम डिस्क बुलाते हैं, लव यू टू माय डिफरेंट। दिस स्टेलर डिस्क ऑफ द मिल्की वे इज अबाउट 1 लाख लाइट ईयर्स अक्रॉस एंड 1,000 लाइट ईयर्स थिक, जो इसकी थिकनेस है यहाँ से यहाँ, ये 1,001 के लाइट ईयर। आई होप ये समझ आ रहा है सभी आपको। लव यू टू ध्रुव जी, लव यू टू। ठीक है, हाँ स्फेरिकली है, मैंने कब कहा आपको एलिप्टिकल, तो मैंने कहीं यूज भी नहीं किया वर्ड, आप बताइए वीर सिंह जी, मैंने तो कहीं वर्ड यूज भी नहीं किया एलिप्टिकल। स्पाइरल तो है ही, मैंने कब बोला यहाँ पर, मैंने तो बल्कि इसको अंडरलाइन ये भी किया, स्पाइरल गैलेक्सी मैंने तो लिखा भी है, मैंने कब बोला कुछ और। ठीक है, अभी जितनी हम लोगों को समझ है यूनिवर्स की, जितनी भी हम लोग चीज़ें जानते हैं, जितने भी मैटर्स को हम जानते हैं, जितने भी हमने साइंटिफिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी है, वो सिर्फ 5% है, इज ओनली 5%। 95% जो डार्क मैटर्स हैं, वो अभी अनएक्सप्लोर्ड है। इस लाइन को ध्यान से देखिए, बेस्ड ऑन द करंट मेजरमेंट एटलीस्ट 90% ऑफ द मास इन द मिल्की वेज ग्रेविटेशनल फील्ड इज मेड अप ऑफ डार्क मैटर्स, सो द ल्यूमिनस स्टार्स गैस डस्ट ऑफ द गैलेक्सीज आर एम्बेडेड एट द सेंटर ऑफ द ह्यूज रफली स्फेरिकल डार्क मैटर्स हलो मोर देन अ मिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस। 2500 किलोमीटर्स तक का हम लोग ने डिस्कवरी की है। नेपच्यून से आगे क्यूपलर बेल्ट है, क्यूपलर बेल्ट से आगे क्या है अभी तक वहाँ पर हमें जो है कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि वो गैसियस है या फिर कुछ अर्थ लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। हाँ हमने उसको लाइट से मेजर जरूर किया कि वो इतनी दूर है, हमने डिस्कवर कर लिया, उसको ये नाम देते हैं, है ना, जैसे कि अभी सेफर्ट के ऊपर किया है गामा एमिटिंग लाइट्स, ये तो कर लिया है हमने, ठीक है। लेकिन उसके आगे हमें जाने के लिए ढेर सारा फ्यूल चाहिए, क्यूपलर बेल्ट से आगे जाने के लिए ढेर सारा फ्यूल चाहिए, जो कि अभी इम्पॉसिबल हो जाता है उसको स्टोर करके जाना, ठीक है। तो अभी जो आपकी जितनी भी एक्सप्लोरेशन है वो 5% तक ही मानी गई है, क्योंकि 2500 जो है वो उतने किलोमीटर्स तक हम गए हैं, और अर्थ और नेपच्यून तक ही आप जा पाए, वो तो गैलेक्टिक सेंटर है, पूरे मिल्की वे का सेंटर है आपका 25,000 किलोमीटर्स, सेंटर ऑफ दी मिल्की वे से लेकर के सन तक का डिस्टेंस है वो। लेकिन हम कहाँ गए हैं अभी, जो प्लैनेट अर्थ के आसपास ऑर्बिट करते हैं, ठीक है।
वो गैसियस है, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है, मिथेन है, इथेन है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो सभी चीज़ें ही हमें मालूम है, उसके अलावा कुछ नहीं मालूम हमें। मिल्की वे इज़, चलिए आगे छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, मेन चीज़ें ही पढ़ेंगे हम। एक तो रिमोट नहीं है ना, तो मुझे बहुत टाइम लगता है ऐसे, अदरवाइज़ मैं एक जगह खड़ा रहूँ, रिमोट से करता रहूँ। लोकल ग्रुप के अंदर मिल्की वे, एंड्रोमेडा एंड ट्राइंगुलम, थ्री लार्जेस्ट गैलेक्सी, मिल्की वे, एंड्रोमेडा एंड ट्राइंगुलम, ठीक है, ये इसके अंदर आती है। और जो दूसरी ड्वार्फ गैलेक्सीज है उसके अंदर सेजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सीज, लार्ज मैगेलानिक क्लाउड, स्मॉल मैगेलानिक क्लाउड्स, कैनिस मेजर, उर्सा मेजर, ये सभी गैलेक्सीज हैं जिनका फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉग स्टार और आपके अपना अरे भाई मुझे जाना पड़ेगा यार कहीं पर, शुभ चीज़ें मैं ज़्यादा भूलने लगा आज तक। उफ राम, अब आएगा तो भैया मुलाकात होगी रास्ते में, मैं भूल जा रहा हूँ यार चीज़ें। सम ऑफ दोज गैलेक्सीज सच एज सेजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सीज आर ऑलमोस्ट फिजिकल कंटेक्ट विद द मिल्की वेज आउटस्कर्ट। अब जैसे कि आपकी एंड्रोमेडा है, हम कह रहे हैं कि एक दूसरे के आसपास है, बट धीरे धीरे ये तो हो ही रहा है कि एंड्रोमेडा मिल्की वे को सब्स्यूम कर रही है, तो उसके आउटस्कर्ट्स एंड्रोमेडा के साथ मर्ज हो रहे हैं। कल को ऐसा भी हो सकता है कि सारी चीज़ें जो हैं मैटर्स एंड्रोमेडा के और मिल्की वे के, वो एक साथ क्लब हो जाएं, एक ही गैलेक्सी बन जाए, ठीक है। और ऐसे ही दूसरी ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं जो मिल्की वे के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके आउटस्कर्ट्स भी एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सेजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सीज तो ऐसी गैलेक्सी है जो कि ऑलमोस्ट मर्ज हो ही गई है, जय हिंद दोस्तों, आपके मिल्की वे के साथ ऑलमोस्ट हो ही गई, कम्प्लीटली नहीं हुई है, ठीक है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को M31 के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे बड़ी लार्ज गैलेक्सी है, क्लोजेस्ट लार्ज गैलेक्सी टू द मिल्की वे, ठीक है। बोथ मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा आर स्पाइरल गैलेक्सीज और सेम एज ग्रुप की है ये, एंड मैसिव ब्लैक होल सेंटर में दोनों के ही है। हाउएवर एंड्रोमेडा इज नॉन टू हैव अ क्राउडेड डबल न्यूक्लियस एंड इज इट्स स्पाइरल आर्म इज गेटिंग डिस्टॉर्टेड बाय ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन विद टू सैटेलाइट, जो कि M32 एंड M1110 और दूसरी ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं उसके आउटस्कर्ट्स, वो एंड्रोमेडा के साथ, वो एंड्रोमेडा का उनकी मतलब उनका इशू है, एंड्रोमेडा का है वो, M32 और M110 वो एंड्रोमेडा के साथ मर्ज हो रही है। जो वैसे ही जैसे ये दोनों मर्ज हो रही है एंड्रोमेडा के साथ, वैसे ही आपकी मिल्की वे भी मर्ज हो रही है। डोलो का राज बताऊं, कहाँ डोले रह गए, चले जी। नेबुला, डियर फ्रेंड्स, अभी हम क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट गैलेक्सीज, और गैलेक्सीज के अंदर अब हम आ गए हैं नेबुला। नेबुला सबसे पहले हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो एक रॉ मटेरियल है, इसी नेबुला से आपके स्टार्स और प्लैनेट्स का जन्म होता है फर्दर, ठीक है। नेबुला माय डियर फ्रेंड्स, आ जाते हैं फटाफट से इसके ऊपर। हाँ, डिजास्टर आ सकता है, क्यों क्यों क्या होगा, डिज़ास्टर कैसे आएगा दोस्तों, जब ज़्यादा आपके मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट होते हैं तो क्या होता है, कंडेंसेशन होती है एक दूसरे के साथ, वो उनका जो डिस्टेंस है, जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है, वो कम हो जाता है। अब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो गर्मी बढ़ेगी ना, सारा का सारा पानी इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा, उड़ेगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश होगी, ठीक है, तो वो फ्रिक्वेंट बारिश आती रहेगी। वो पहले ऐसा होगा कि धीरे धीरे बारिश जो उसका हम ये कह सकते हैं कि जितनी फ्रिक्वेंसी के साथ वो आती है, जितनी फ्रिक्वेंटली वो आती है, वो और ज़्यादा आएगी, डिस्टेंस और धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो भाई साहब सूख जाएगी धरती, है ना, और ख़त्म हो जाएगी सब्सिक्वेंटली, अगर दो गैलेक्सीज मर्ज होती है आपस में तो। चलिए जी, नेबुला, नेबुला इज अ क्लाउड और कलेक्शन ऑफ इंटरस्टेलर मीडियम इन वन लोकेशन इन स्पेस। जैसे गैलेक्सी है आपकी मिल्की वे, इसके अंदर एक बादल जैसा है,
जो आपके डस्ट और गैसेस से बना हुआ है उसको हम नेबुला बुलाते हैं, राइट? व्हाट वी कॉल इट? नेबुला. नेबुला इज अ क्लाउड और कलेक्शन ऑफ इंटरस्टेलर मीडियम इन वन लोकेशन इन स्पेस. नेबुला आर प्रोडक्ट इन डिफरेंट वे, प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट वे. एंड ये क्या है कि आपके फॉर एग्जाम्पल एक ब्लैक होल है. ब्लैक होल के अंदर ढेर सारी चीज़ें एक पॉइंट ऑफ टाइम पर या एक पॉइंट ऑफ प्लेस पर वो इकट्ठी हो ही जा रही है, आसपास से उसके अंदर सब्स्यूम हो रही है. वहाँ पर ढेर सारा प्रेशर होगा तो फिर दोबारा से ब्लास्ट ऑफ होगा, ब्लास्ट ऑफ होता ही रहता है ये, और फिर से वो चीज़ें फैल जाती है आसपास. तो वो डस्ट जो ब्लैक होल में गया था वो दोबारा से एक बार क्लाउड के फेस में वापस आ जाता है, ठीक है? तो यहीं पर ये लिखा हुआ है, दे कैन बी गैदर टुगेदर बाय ग्रेविटी, डिस्पर्स्ड बाय स्टार्स एंड लिट अप बाय अ पावरफुल रेडिएशन सोर्स नियर बाय. और जब वो ब्लास्ट हुआ दोबारा और मैटर्स जिसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम ज़्यादा होगा क्योंकि स्पेस में अबंडेंस के अंदर वही है, तो वो या तो डिस्पर्स हो जाएगा, और वो डिस्पर्स हो नहीं सकता, वो एक जगह पर एक दूसरे से बंधा रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है? वो ग्रेविटेशनल पुल एक पॉइंट पर आकर के वीक पड़ जाएगा तो एक स्ट्रक्चर नेबुला का अलग हो जाएगा, उससे दूर चला जाएगा, ठीक है? और उसके बीच में स्टार्ट होगा आपका प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन. तो धीरे धीरे वो क्या होगा, आपका एनर्जी आई मीन टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो लाइट एमिट करेगा तो वो स्टार कहलाएगा. जो वो पार्ट ग्रेविटेशनल पुल से जो बड़े नेबुला से अलग होकर छोटा पार्ट था वही स्टार है, ठीक है? इसीलिए इसको नेबुलर हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक है जी? चले मोस्ट ऑफ दिस इसको छोड़ दीजिए, बाकी हटाइए इसको, ठीक है जी? अब ये जो नेबुला से स्टार बना है वो बना है फ्यूजन की वजह से, हाइड्रोजन एंड हीलियम में, ठीक है? सन इज ऑल्सो अ स्टार. स्टार शाइन्स बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स इन द कोर, दैट्स इट. लैपलेज ने यह थ्योरी दी थी, ये थ्योरी जो थी आपके नेबुलर हाइपोथेसिस की, लैपलेज ने, ठीक है जी? राइट, चले चले जी. कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. बस इतना ही जानिए, बाकी छोड़ दीजिए. बाकी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टार जो है इसका स्टार, क्योंकि सन भी एक स्टार है. ऑल स्टार्स हैव लेयर्स लाइक कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, PCC. PCC मैं अक्सर आपको याद करवाता हूँ, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड योर कोरोना, ठीक है? एंड PCC के अंदर प्रोटोस्फेयर इज द लेयर जहाँ से 8 मिनट ऑलमोस्ट लगते हैं लाइट को पहुँचने में, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? राइट. द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ. एवरेज जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है 149.6 मिलियन किलोमीटर्स का, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था 149.6, कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर 150 मिलियन किलोमीटर्स भी लिखा हुआ है, जिसको हम बुलाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. इस डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं. द क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम टू अर्थ इज अल्फा सेंटूरी. अब नाम याद आया, मैं भूल गया था. चलिए जी, बाढ़ आ गई. ओहो, वाइपर से पानी करो फिर बाहर. मजाक कर रहा हूँ यार, आई एम सॉरी. क्या हो सकता है, बोलो टाइम से निकलेगा, है ना? पानी तो अब टाइम से ही जाएगा भाई साहब. द क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम टू अर्थ इज अल्फा सेंटोरी. ये अल्फा सेंटोरी जो है ये स्टार सिस्टम है, इट मीन्स ये कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है जी? और इस कॉन्स्टिलेशन के अंदर एक स्टार है जिसका नाम है प्रोक्सीमा सेंटोरी. सन तो सबसे क्लोजेस्ट है अर्थ के, इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है प्रोक्सीमा सेंटोरी, ठीक है जी? प्रोक्सीमा सेंटोरी इज ऑल द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन, येट इट इज वेरी फेंट, क्योंकि ड्वार्फ है. द ब्राइटेस्ट स्टार एज सीन फ्रॉम अर्थ इज सीरियस, जिसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कैनिस मेजर, जो कि अपने आप में एक ड्वार्फ गैलेक्सी है, लेकिन उस ड्वार्फ गैलेक्सी के अंदर एक ऐसा तारा है
जो कि बहुत चमकता है, ठीक है। इट इज 8.58 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। समझे कुछ? हमारा सोलर सिस्टम है, सन है उस सोलर सिस्टम में, और दूसरे प्लैनेट है जो कि आसपास चक्कर लगा रहे हैं उसके, दिस वी कॉल इट सोलर सिस्टम। नाउ इस सन के बाद कोई ऐसा स्टार भी है जो कि नेकेड आई से देखा जा सकता है और ब्राइटेस्ट है आफ्टर द सन, सेकंड नंबर पे कौन सा? तो अगर हम ब्राइटनेस की बात करें तो वो सीरियस और डॉग स्टार है कैनिस मेजर, एक ड्वार्फ गैलेक्सी में, ओके। और अगर हम नियरेस्ट की बात करें कि सन तो सबसे नियरेस्ट है, उसके बाद कोई ऐसा तारा भी है जो अर्थ के पास हो, नज़दीक हो, है ना, तो उसको हम कहते हैं आपका प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो कि अल्फा सेंटोरी कॉन्स्टिलेशन अलग ही है, वो उसका पार्ट है, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री आप स्किप कर दीजिए, लेकिन कंप्लीट स्किप नहीं करना है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मुझे आपको बताने हैं, जैसे कि ऑथर्स हो गए, आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ बातें बतानी हैं आप लोगों को। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मैं वादा करता हूं कि 2 दिन मुझे लगेंगे एंशियंट हिस्ट्री के वो पॉइंट बताने में और आपका एंशियंट हिस्ट्री डन हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम थोड़े बहुत बातें बुद्धिज़्म जैनिज़्म की भी करेंगे और आर्किटेक्चर की मेन बात करेंगे और कॉम्पोजिशन की बात करेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी, जैसे कि कालिदास एंड योर बाणभट्ट, ये सब चीज़ें हम करेंगे, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। जय हिंद दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, आप जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही होंगे मुझे कि मैं अक्सर बोलता ही रहता हूँ कि आप या तो भाई साहब रट्टा मार लो या मेहनत कर लो। मेहनत तो तब की जाएगी जब आपके पास टाइम होगा एम्पल, और आप लोग भी भाई साहब, अच्छा गलती आपकी भी नहीं है, आपके पास मैथ्स का बहुत बड़ा सिलेबस है, इंग्लिश का बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आप GAT को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ये बात तो है। तो मैं आपको कट शॉर्ट करके मटेरियल दूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी, मैं जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहा हूँ एक बहुत एक हरकुलियन टास्क हो जाएगा मेरे लिए, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ तो ये भी इजी टास्क नहीं है, ठीक है। तो मुझे लेकिन अब ले रहा हूँ तो निभानी पड़ेगी, और आप लोगों को थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, तभी जा करके हम एक मुकाम तक पहुँच सकते हैं, ओके। आपने कंप्लीट स्किप नहीं करना है, आपने ऑथर्स आर्किटेक्चर और कुछ मिसलेनियस चीज़ें पढ़नी है उस टाइम की, राइट। ठीक है जी, चलिए दोस्तों स्टार्स की बात अगर हम करें तो स्टार का बर्थ कैसे होता है, जैसे मदर वॉम्ब के अंदर जब वो कंसीव करती है मदर, तो स्टार्टिंग में ही बेबी नहीं होता है, है ना, पहले आपका गैमीट होगा, फिर आपका फीटस होगा, फिर उसके ऑर्गन्स बनने स्टार्ट होंगे, फिर फुल फ्लेज बेबी होगा, देन डिलीवरी होगी, है ना। तो क्या है, ऐसे ही आपका एक स्टार है, और वो स्टार क्या करेगा आपका, उसका बर्थ कैसे होता है, बर्थ होता है उसका नेबुला से, जिसको हम स्टेलर एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, स्टेलर एवोल्यूशन। इंटरस्टेलर मूवी आपने देखी होगी, नहीं देखी तो सुना होगा, मैंने भी नहीं देखी है, ठीक है, लेकिन मैंने सुना है उसका, ठीक है जी। और उस एवोल्यूशन से आपका स्टार जो है वो बनता है। स्टार की 3 फेज होती है मेजर, स्टेलर एवोल्यूशन क्या है, बर्थ ऑफ स्टार, मैं लिख देता हूं, घर के बाहर खड़े हो तो खड़े रहो भाई साहब, मैं क्या करूं आपको। स्टेलर एवोल्यूशन के अंदर 3 जो है फेजेस आती है, एक आएगा प्री मेन सीक्वेंस एंड पोस्ट मेन सीक्वेंस। जब भी मैं ये बात करता हूँ ऐसा लग रहा है कि एग्जाम स्टार्ट होने वाला है UPSC का ना, सिविल सर्विसेज का, प्री मेन पोस्ट मेन, उफ़ चलिए। तो प्री मेन सीक्वेंस क्या है दोस्तों, प्री मेन सीक्वेंस पहले एक बार हम देख लेते हैं। द स्टार विच इज करंटली इन इट्स मेन मैच्योर पीरियड इज कॉल्ड द मेन सीक्वेंस स्टार, जो उसका
मेन सीक्वेंस क्या है उसका? एडल्ट वर्जन है, एडल्ट। ये जो है ये है चाइल्ड, ये जो है ये है आपका ओल्ड एज। एज सिंपल एज डैट। ठीक है, प्री मेन सीक्वेंस फेज। प्री मेन सीक्वेंस फेज के अंदर आता है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार बिल्कुल वैसे ही जैसे कि, जैसे अब फीटस को आप बेबी तो नहीं कहेंगे, फीटस तो फीटस है, उसको बेबी तो नहीं कहेंगे, बेबी तो आपके ऑर्गन्स डेवलप होने के बाद। वैसे ही स्टार जो है वो प्रोटोस्टार, स्टार जैसा, कंप्लीट स्टार नहीं है अभी वो। ठीक है, द बर्थ ऑफ एनी स्टार बिगिंस विद द ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ द जाइंट मॉलिक्यूलर क्लाउड, जिसको हम नेबुला कहते हैं। ये मैं बात पहले बता चुका हूँ आपको, नेबुला में से ग्रेविटेशनल पुल जो है वो ब्रेक होता है, वीक होता है, तो एक पोर्शन नेबुला का अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बर्थ ऑफ अ स्टार। व्हेन इट कोलैप्स अ मॉलिक्यूलर क्लाउड ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स रिलीजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज हीट। इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज एंड वन ऑफ द फ्रैगमेंट कंडेंसेस इनटू अ रोटेटिंग स्फीयर ऑफ सुपर हॉट गैस टू बी नोन एज प्रोटोस्टार। राइट, समझे? ब्रेक हुआ और प्रोटॉन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, जो अब क्या होगा धीरे धीरे वो फास्ट होगा, है ना, और उस प्रोसेस को हम बुलाएंगे प्रोटोस्टार। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। मेनली जो गैस उसके अंदर अवेलेबल है हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर ये इसके बाद जो है, पहली ही बात इसके अंदर आएगी कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए प्रोटोस्टार के बाद, पहली स्टेज तो आपकी ब्राउन ड्वार्फ ही आएगी। ब्राउन ड्वार्फ ही उसको हम कहेंगे। ठीक है, इफ इट इज ऑफ लो मास इट वुड टर्न इनटू अ ब्राउन ड्वार्फ, if it is of high mass it would further evolve into main sequence star। तो एकदम से high mass तो होगा तो एकदम से तो light emit नहीं करने लगेगा कि भैया अभी तो नहीं कर रहा था, अब करने लग गया all of a sudden, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि brown dwarf तो आएगी ही आएगी stage, protostar के बाद आपका brown dwarf and then आपका main sequence star के ऊपर वो जाएगा। brown dwarf के बाद वो सीधा का सीधा आएगा आपके red जाइंट के ऊपर। ठीक है, रेड जाइंट के ऊपर मेन सीक्वेंस स्टार्स, रेड ड्वार्फ, आई एम सॉरी, चलो जी चलो। ठीक है, मेन सीक्वेंस स्टार अब उसने लाइट एमिट करनी स्टार्ट कर दी है, ब्राउन ड्वार्फ से लाइट उसने एमिट करनी स्टार्ट कर दी है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, वो हमें एक बार देखनी है। इफ द प्रोटोस्टार इज मैसिव एंड इट्स कोर टेम्परेचर इज वर्थ स्टार्टिंग अ प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन इट वुड ऑनसेट इट्स जर्नी टू बिकम अ मेन सीक्वेंस स्टार। अगर उसके पास पर्याप्त मात्रा में फ्यूल है हाइड्रोजन हीलियम का तो वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो वहीं फेड हो जाएगा ब्राउन ड्वार्फ पे ही। अब जितना मटेरियल है उतना ही तो चलेगा, सिंपल सी बात है ये, इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट्स मास डिसाइड विच पाथ इट वुड फर्दर टेक, इफ इट इज ऑफ लो मास इट वुड टर्न इनटू अ रेड ड्वार्फ, और अगर ये इंटरमीडिएट मास का है तो वो रेड जाइंट बनेगा। बोथ ऑफ देम वुड बर्न फॉर 6 to 12 trillion ईयर्स एंड वुड एंड देयर लाइफ एज पोस्ट मेन सिक्वेंस वाइट ड्वार्फ। ठीक है, इफ इट इज अ हायर मास इट वुड टर्न इनटू अ रेड जाइंट और अ ब्लू जाइंट। ब्राउन ड्वार्फ से मैं व्हाइट आपको कह रहा था, नहीं व्हाइट तो नहीं मैंने कहा था, शायद आपको कहा था क्या? नहीं कहा था ना, मैंने ब्राउन के बाद सीधा ही आपको कहा था रेड के ऊपर आएगा, रेड ड्वार्फ या रेड जाइंट अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम। राइट, सो रेड ड्वार्फ एज डिस्कस्ड अबव इज ऑफ लो मास मेन सिक्वेंस स्टार विच इज हॉट एंड मैसिव देन ब्राउन ड्वार्फ एंड इज कैपेबल ऑफ सस्टेनेबल प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन। इट इज कूल एंड लेस मैसिव देन अदर स्टार सच एज रेड जाइंट, ब्लू जाइंट एक्सेट्रा। द टेम्परेचर ऑफ द फोटोस्फेयर इज अराउंड 3000 degree Kelvin लिखा हुआ है यहाँ पर। दे आर स्मॉलर एंड फेंट देन, इसको छोड़ दीजिए, हटाइए, ठीक है, हटा दो उसको, हाँ नहीं तो हमने कौन सा स्पेस में जाना है, हमने तो फौज में जाना है। चलें,
गैसियस होता है, स्टार गैसियस। लेकिन कोई भी स्टार के पास हम जा ही कैसे सकते हैं, क्योंकि स्टार तो फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना। अगर वो सॉलिड है, सॉलिड नहीं है, वो सॉलिड तो लाइट एमिट नहीं करेगा ना, सॉलिड में तो हीट ट्रैप हो जाएगी, वो गैसियस ही है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल अथर्व दुबे, इतना होता है उनके पास। राइट, अब आप समझ गए कि उसके पास सर्टन मास होना चाहिए। वो सर्टन मास है कितना, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ मास की बात करें कि हाँ उसके मास होना चाहिए, 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 लेकिन कितना उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। रेड जायंट, जो हमारा सूर्य देवता है, हमारे जो सूर्य नारायण है ना, भानु प्रताप से, तो ये सूर्य देवता जो हमारे हैं, जो हमारा सन है माय डियर फ्रेंड्स, जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसके अंदर जो सन अवेलेबल है, जो कि अपने आप में एक स्टार है, वो कभी हुआ करता था रेड जाइंट। अब वो येलो ड्वार्फ है, ठीक है, वो इस एज से निकल चुका। हाँ जी प्रतीक यादव जी, यस, जय हिंद, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें, जैसा टाइम मिले वैसा काम करें आप लोग। रेड जायंट, अब मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ना आप कुछ कुछ चीज़ें आप स्किप करें इसमें से, ठीक है। रेड जायंट समझ गए, मास ज़्यादा है, वो ब्राइट होगा, मैच्योर है, खूब है, उसके अंदर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब उसके बाद क्या होगा, जो उसका उसके जितने भी रिसोर्सेज है वो यूज्ड अप हो गए। यूज्ड अप होने के बाद वो आ गया येलो ड्वार्फ पे। सन इज ऑल्सो अ येलो ड्वार्फ। कौन कौन से येलो ड्वार्फ अभी अवेलेबल है, ठीक है, एक क्वेश्चन की मार है ये सारा का सारा, सारा सिलेबस एक क्वेश्चन की मार है, एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें से, लेकिन कहाँ से पूछेगा ये नहीं पता, इसलिए इतना पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है जी, तो सन, अल्फा सेंटोरी एक्सेट्रा आर सम ऑफ द येलो ड्वार्फ। द टर्म येलो इज अ मिसनोमर बिकॉज येलो इज वाइट। फॉर एग्जाम्पल, सन वुड अपियर वाइट इफ देयर वॉज नो एटमोसफेयर। अगर एटमोसफेयर ना हो तो सन वाइट लगे देखने में, इसलिए व्हाइट ड्वार्फ एंड येलो ड्वार्फ आर सेम। ठीक है, येलो एंड व्हाइट आर सेम। ठीक है जी, चले यूनिवर्स तो खत्म करके चलेंगे, इसके बाद सन पे आ जाते हैं, सन की बात करते हैं। चलिए जी, सन यहाँ पर अब हम आ जाते हैं पोस्ट मेन सिक्वेंस स्टार पर, जब वो उसकी जो एज है वो खत्म होने लगेगी। द जायंट स्टार फेज एंड्स विद वाइट ड्वार्फ। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ब्राउन से, ब्राउन मुंडे है ना, ब्राउन ड्वार्फ से, खत्म कहाँ पर हुआ, वाइट ड्वार्फ। अरे क्या बात है बीच में रेड येलो, राइट। चलें, तो एस चंद्रशेखर हैज प्रपोज दैट ओनली स्टार That have certain mass limit, यहाँ पर certain ही लिखा है, अभी मैं इसको बताता हूँ कितनी है, would end their life as white dwarf. He proposed that a star with mass above about 1.4 solar mass would end collapse beyond the white dwarf stage and turn into something far denser and more compact. जो कि आपका न्यूट्रॉन है, पहले न्यूट्रॉन स्टार होगा और उसके बाद आपका होगा ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार के अंदर भी जो रिएक्शन है वो बंद हो जाता है, उसका रिसोर्सेज नहीं रहता उस टाइम पर, उस टाइम भी न्यूट्रॉन स्टार पे भी उसके रिसोर्सेज खत्म हो चुके होते हैं, बट टाइम लगता है ट्रैवल करने में, क्योंकि डेंसिटी भी रहती है और आपका जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो आउटर स्फीयर जो है वो ब्राइट लगता है। ठीक है, कोर जो है उसका वो वहाँ पर सभी चीज़ें जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है जी, द अपर मास लिमिट इज टुडे कॉल्ड द चंद्रशेखर लिमिट। इस लिमिट को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, 1.4 सोलर मास। अब वो सोलर मास क्या है वो हम सन के ऊपर आकर के पता करेंगे। ठीक है, बस करें आज के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस कर देना चाहिए,
क्योंकि चीज़ें फिर आगे कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कॉम्प्लिकेट तो हो जाएगा चीज़ें वो। मैं सोच रहा हूँ कि कल इसको कवर करेंगे, कॉम्पोजिशन ऑप्शन चलेंगे तो हम देखिए, ज़्यादा पेजेस नहीं है हमारे पास, 4-5 दिनों में तो हो ही जाएगा, ये तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, हो जाएगा 4-5 दिनों में हो जाएगा, ये तो मैं आश्वासन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी सर, जी हाँ जी सर, हो ही गया बस ऑलमोस्ट। हाँ जी आ गया बस। ठीक है जी, तो बच्चों अभी जितना हमने पढ़ा है ये मैं अभी आपको सेव कर लूँ, इसको सेव कर देता हूँ यार मैं, फिर कल यहीं से स्टार्ट करूँगा इसी मटेरियल को खोल कर, और मैं अभी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे। मैंने ओरिजिनल में सेव कर दिया, हद होती है यार। चले बुक 1 के नाम से शायद होगा आपके पास, ठीक है। ये मैंने डेस्कटॉप पर बुक 1 के नाम से करी, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ शेयर ताकि आप अभी देख लें कि हाँ भैया मिल गई है, नहीं तो आप लोग क्या करते हैं फिर आप सभी को मालूम है कि नहीं मिली सर, नहीं मिली, है ना। एक सेकेंड, वेटिंग फॉर नेटवर्क। चलो जाए, ठीक है जी, कर दिया मैंने शेयर आपके सामने अभी लाइव, बिल्कुल जा ही रही है अभी रास्ते में, ठीक है। चले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।